एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वेज रसोई। तो आज की मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है झटपट बनने वाला नाश्ता, जिसे हम आलू बड़ा बोलते हैं, आलू बोंडा भी बोलते हैं। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पहले हमें उबले आलू चाहिए, उन्हें हमें अच्छे से मैश कर लेना है। हमारे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हमको एक कढ़ाई में तेल चाहिए, उसमें मैंने ये राई डाल देनी है। अब इसमें कड़ी लीफ डाल दें, चिली, लहसुन और अदरक डाल देने हैं। इनको 1 से 2 मिनट तक पकाना है बस। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के इसको थोड़ा सा टॉस कर लेना है। और इसमें अब थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। और इसमें अब हम अपने सारे आलू ऐड कर देते हैं और उनको अच्छे से टॉस करना है। 4 से 5 मिनट तक इसको इस तरीके से हमें पकाना है। तो हमारा ये मसाला बनके बिल्कुल तैयार है। मैंने यहाँ एक कटोरी बेसन लिया है, उसमें हमें थोड़ी सी ये लाल मिर्च डालनी है, नमक डालना है स्वाद अनुसार, हल्दी, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसका पेस्ट बना लेते हैं हम। हमारा ये पेस्ट बन के बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से रखना है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हींग ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा ये खाना सोडा, उसे मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम अपने आलू के छोटे छोटे गोले बनाते हैं। यहाँ मैंने अपने हाथ पे ऑयल लगा लिया है, इसके अब हमें छोटे छोटे गोले बना लेने हैं। जितना बड़ा साइज रखना चाहे उतना बड़ा, मैं इस साइज के बना रही हूँ। तो चलिए मैं बना के तैयार करती हूँ। मैंने ये आलू की गोलियाँ बना के बिल्कुल तैयार कर ली हैं, ये बन गई हैं मेरी। तो चलिए अब इन गोलियों को हमें इस बेसन में डिप करना है, इस तरीके से। ये हमने इस तरीके से बनाए हैं, ऐसे हम सारे बना लेते हैं। इनको अच्छे से सेक लेना है। बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व करते हैं। तो हमारे ये आलू बड़ा बनके बिल्कुल तैयार हैं, और इन्हें कहीं कहीं तो आलू बोंडा भी बोला जाता है, और ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। और यदि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। तो आज के लिए थैंक यू।